बच्ची की डेड बॉडी मिली थी शतवश्रत हालत में मावली थाने में। उस बच्ची की गुमशुदगी हुई थी और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था अपहरण का 29 तारीख को। उसके बाद से लगातार उसकी तलाश गांव में पुलिस के द्वारा और ग्रामीणों के सहयोग से की जा रही थी। कल शाम को इत्तला मिली कि एक गांव में ही एक जगह पे एक खंडर मकान में उस जो बच्ची है उसकी डेड बॉडी मिली हुई है और उसमें डेड बॉडी को शतवश्रत किया हुआ है। तो इस सूचना पे सभी अधिकारी पहुंचे और FSL टीम डॉग स्क्वाड वगैरह को बुलाया गया और डिटेल एग्जामिनेशन की गई। इसी के साथ साथ आज भी ये सारी प्रक्रिया लगातार चल रही थी, काफ़ी संदिग्धों से पूछताछ की गई, आसपास के थानाधिकारियों को बुला के उनकी टीम्स बना के अलग अलग लगाया गया और सामने ये आया कि एक व्यक्ति है कमलेश नाम से, जो वहीं उसके जो घटनास्थल है उसके जस्ट पास में ही रहता है, उसके द्वारा बच्ची का अपहरण करके और उसके साथ ये घटना कारित की गई है और ब्रूटली उन्होंने बच्ची को मारा है और शतवश्रत किया है बॉडी को काफ़ी। कमलेश को अभी पुलिस के द्वारा डिटेन किया जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है। सर, किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, क्योंकि बड़ी निर्मम तरीके से हत्या की गई थी, क्या उसकी किस मेंटेलिटी का था, क्या उसको? देखिए, बहुत निर्मम तरीके से हत्या की गई थी और काफ़ी पार्ट्स में बॉडी को काट दिया गया था और अभी जो सामने आया है पूछताछ में एक सेक्सुअल असॉल्ट की भी पुष्टि हो रही है इस बात को लेकर। शाम को बच्ची को प्रलोभन देके उसके द्वारा बुलाया गया था और ये सब कार्रवाई की गई। सर, कहाँ पे ये सब दुष्कर्म उसके साथ हुआ, किस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया? ये जो घटनास्थल के पास ही उसका घर है, उसी के अंदर ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी स्कूल ड्रॉप आउट है, अभी कुछ काम नहीं कर रहा है, घर पे ही है। सर, तंत्र विद्या सीखने की बात आ रही थी? नहीं, ये सब तो बिल्कुल ये बात फैक्चुअल नहीं है। सर, वो गेम खेलने का भी एडिक्ट था क्या, ये भी एक कारण हो सकता है? मोबाइल गेम 10 समय उसके द्वारा खेला जा रहा था और इसके बारे में और पूछताछ करने के बाद डिटेल चीज़ सामने आएगी कि इस मोबाइल गेम खेलने का इससे कोई लिंक है कि नहीं है। बट जिस समय उसने बच्ची को किडनैप किया उस समय ये कोई एक मोबाइल गेम खेल रहा था। सर, कहाँ पे उसने उसके साथ दुष्कर्म किया, मारा कहाँ पे, और फिर वो सब वो जो घटनास्थल है जहाँ बॉडी फाइनली मिली है वो और उसका घर रोड के आमने सामने है, तो उसने अपने घर में ये कृत्य किया और घर में करने के बाद इस चीज़ को जी घर में उसके पेरेंट्स थे, लेकिन घटना के समय अभी तक तो सामने आया है, बाकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन उसके माँ बाप के रोल के बारे में की जाएगी। अभी कहना जल्दबाजी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में यदि उनका भी रोल आएगा तो उनके खिलाफ भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पीछे उसको इस तरह से मारने के बाद शव को सब करने के पीछे क्या मोटिव क्या था उसका? अभी तक जो है चूंकि अर्ली इन्वेस्टिगेशन है इसलिए ऑथेंटिकली तो नहीं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि डिस्पोजल करने के लिए इसको इस तरह का शेप उसने देने की कोशिश की थी। सर, इसकी गुमशुदगी भी दर्ज थी और आप नहीं, गुमशुदगी नहीं, मुकदमा दर्ज था, लड़की का मुकदमा दर्ज था। तो सर, वो पड़ोस में ही रहता था, उसके वहीं थी वो लड़की, तो भी पुलिस पड़ोस तक भी नहीं पहुंच पाई। पड़ोस में जो बिल्कुल चेक किया है वहाँ पे बॉडी को पहले ही उन्होंने छुपा के रखा हुआ था, उसके बाद उसको डिस्पोज किया है, तब पुलिस को पता लगा। पुलिस को कैसे आइडिया लगा कि ये आरोपी है? हमारे सूचना तंत्र की मदद से और जो हमारे वहाँ पे लगातार हमारे जवान हैं और हमारे अधिकारी हैं जो लगातार कैंप करके वहाँ पे इन्फॉर्मेशन इकट्ठे कर रहे थे, उसी के दौरान ये सूचना आई जिसको फिर बाद में वेरीफाई करके चेक करके इस घटना को खोला गया है।